दोस्तों साल 2023 में इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसी मूवी रिलीज होने वाली है जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मैंने पार्ट वन पहले ही बना दिया है, तो ये वीडियो पार्ट टू होने वाली है। अगर आप लोग पार्ट वन देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। नंबर तीन पे है डंकी। मूवी में लीड रोल शाहरुख खान, विक्की कौशल और तापसी पन्नू का होने वाला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने पहले भी कई सारी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज बना रखी है, जैसे पीके, मुन्ना भाई MBBS, थ्री इडियट्स। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी अब तक कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं गई है। नंबर टू पे है टाइगर थ्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस मूवी में लीड रोल कैटरीना कैफ और सलमान खान का होने वाला है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विलन का रोल इमरान हाशमी करने वाले हैं। दोस्तों ये इन फिल्मों में से है जिनको देखने के लिए लोग काफी क्रेजी हो रखे हैं। नंबर वन पे है पोनियन सेल्वन टू। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसका पहला पार्ट रिलीज हो चुका है और उसने काफी अच्छा कलेक्शन किया, और दोनों ही पार्ट का पहले ही बजट रिवील हो चुका है कि वो 500 करोड़ में बनने वाली थी। तो इस मूवी के पहले पार्ट ने 250 करोड़ के बजट में बनकर 500 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट थ्री देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना।